अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत हूँ। मेरी दुआ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करें, और जिससे वो कोई भी मुश्किल परेशानी कोई भी दुख या तकलीफ है तो अल्लाह पाक उस पर अपना खास रहम करम नाजिल करें। आमीन सुमा आमीन। मैं आई हूँ आज एक नई डिश के साथ, तो मैं बना रही हूँ चोको चिप कुकीज़ बार। तो इनको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से है कि हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 कप और 1/4 कप मैदा लिया है। ये 2 कप है और 1/4 कप मैदा है। इसको मैं छान लूँगी। ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। अगर आपको, आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको पसंद आएंगे। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम एक तरफ कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा, और इन सब चीज़ों को मिला के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दूसरे बॉल के अंदर घी ले रही हूँ मैं 3/4 कप। अच्छा, आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घी में बना रही हूँ। तो 3/4 कप घी लिया है हमने। वाइट शुगर जाएगी इसमें 2-3 कप वाइट शुगर जाएगी, और लाइट ब्राउन शुगर जाएगी 1 कप। इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, 1 टीस्पून ही इसमें मैं चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है चॉकलेट एसेंस। इसको डाल के अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 अंडे शामिल कर रही हूँ, और इसको डाल के हम अच्छा सा मिक्सर बना लेंगे, अच्छा सा फ्लफी सा हम अपना बैटर बना लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम पोर्शंस के अंदर अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 हिस्सों में, और इसको अच्छा सा मिक्स करके इसका अच्छा सा बैटर बनाएंगे। ये देखिए मैं दूसरी मरतबा डाल रही हूँ, क्योंकि हम बार्स बना रहे हैं तो इसके लिए मैदा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और ये मैंने तीसरी मरतबा डाल दिया इसमें मैदा अपना। अब मेरे पास यहाँ पर 1 कप चोको चिप्स हैं, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। तो इसको डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं अच्छा सा डाल के मिक्स कर लिया है। अब मैंने पैन में पहले से जो है ना पैन को ग्रीस कर लिया था, और उसमें बटर पेपर लगा दिया, लेकिन बटर पेपर हमें थोड़ा बड़ा लगाना है जो चारों तरफ से इसको कवर करें। और इसमें डाल के इसको हम अच्छा सा सेट करेंगे, इसको टैप करेंगे, और पूरे 35 से 40 मिनट पर तक इसको बेक करना है हमें लो फ्लेम पर। बाकी की मैंने गार्निश कर दी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बेक हो चुका है, बेहतरीन सा बैटर है। इसको मैं ठंडा करूँगी, फिर इसके पीसेस करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये ठंडा हो चुका है, और मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट रखें, काउंटर पे बना के छोड़ दें, तो ये इसका कलर, टेस्ट और इसकी जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगी। और उसमें मैंने चॉकलेट सिरप जो था वो मैंने गार्निश कर दिया है। तो ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।